हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। उसमें सबसे पहले आहुति वेदी के मध्य में जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समीधा है उसके ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर एक धारा बनाते हुए आहुति देंगे। दूसरी दक्षिण दिशा में स्थित समीधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए एक आहुति देंगे और उसके बाद वेदी के मध्य में दो आहुति हम प्रदान करेंगे, गाय की घी की। यह आघार अवाज्य भाग आहुति। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये, इदन्ना मम। ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय, इदन्ना मम। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये, इदन्ना मम। ओम इन्द्राय स्वाहा, इदमिन्द्राय, इदन्ना मम। यह चार आघार अवाज्य भाग आहुति देने के पश्चात अब हम मुख्य विशेष आहुति, हम प्रातःकाल यज्ञ करते हैं तो प्रातःकालीन मंत्रों से, सायंकाल यज्ञ करते हैं तो सायंकालीन मंत्रों से, और एक ही काल यदि यज्ञ करें तो प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों मंत्रों से आहुतियाँ देते हैं, और उसके बाद कुछ उभयकालीन आहुतियां और फिर कुछ महत्वपूर्ण विशेष आहुतियां देते हुए इस यज्ञ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए अब हम सामग्री की भी साथ में आहुति देंगे। जो जड़ी बूटी आपके पास रखी हुई है, सामग्री पास में रखी हुई है, जिसमें सुगंधित, पुष्टिकारक, रोग निवारक, मिष्ट आदि जो विशेष द्रव्य होते हैं उससे युक्त, जैसे मेरे सामने आस्था हवन सामग्री, दिव्य हवन सामग्री रखी हुई है, उसका भी आप विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार जैसे मैंने कल भी आपको विशेष सामग्रियां बताई थी रोगानुसार, तो उन रोगानुसार हवन सामग्रियों का भी हम विशेष रूप से प्रयोग इस यज्ञ में, हवन में, अग्निहोत्र में ले सकते हैं। तो आइए अब हम सामग्री की भी साथ साथ में आहुति देंगे। जो मेरी तरह अकेले करते हैं तो वो पहले घी की आहुति और उसके बाद सामग्री की आहुति दे दे, और ज्यादा लोग हैं तो जो पूर्वाभिमुख होकर के बैठे हैं वो एक घी की आहुति दे, अन्य दिशाओं में बैठे वो सामग्री की आहुति दे। और सामग्री को देने के लिए मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ तीन उंगलियों के बीच में इस प्रकार सामग्री लेते हैं और स्वाहा पूर्वक इस प्रकार आहुति देते, ऐसे ऐसे प्रणाम मुद्रा में, ऐसे इस प्रकार समर्पण मुद्रा में, ऐसे। तो आइए अब हम विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्च ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। आइए अभी हमारे बीच में परम पूज्य आचार्य साध्वी दीदी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, तो अब आगे का यज्ञ भी हमें दीदी, पूज्य दीदी जी हमें कराएगी, और उसके साथ साथ यज्ञ महिमा के विषय में हमें मार्गदर्शन और आगे आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगे। तो अब हम चलते हैं पूज्य साध्वी दीदी जी के श्री चरणों में। आइए सभी लोग पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए पूज्य दीदी जी का स्वागत करते हुए। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम सजूर देवेन सवित्रा सजूरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वीतु स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय, इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय, इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा,
इदमादित्याय व्यानाय इदन्न ममा ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न ममा ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा। ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराण मीनो भूष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ये तो सामान्य जो यज्ञ की आहुतियां हैं वो हमने दी हैं। फिर इसके बाद एक ये पुस्तक है वैदिक नित्य कर्म विधि, ये भी अपने यहाँ पतंजलि से ही अभी रामनवमी के ऊपर ही इसका मुद्रण हुआ है, प्रकाशन हुआ है। तो इसमें विशेष यज्ञ की आहुतियाँ भी आप दे सकते हैं अपने घर में जो विशेष अवसर होते हैं। तो इसमें जैसे आपको पाक्षिक यज्ञ करना है तो उसमें दर्श पूर्णमासिष्ठी, फिर पितृ यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और सुबह शाम के मंत्र, इसमें जागते ही किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, सोते समय हमें अपने मन को किस भाव से युक्त करके सोना चाहिए, तो वो सब इसमें विशेष उपक्रम जो हैं उनके मंत्र भी दिए हुए हैं। जैसे रामनवमी है, आर्य समाज का स्थापना दिवस है, नव संवत्सर इष्टी है, श्रावणी उपाक्रम, जन्माष्टमी, विजयदशमी और शारदीय नवसस्यष्टी यानी दीपावली और मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, सीताष्टमी, इस प्रकार से जो अपने भारतीय पर्व हैं तो उनमें, या फिर कुछ अपने घर में कोई विशेष कोई वागदान, विवाह सगाई आदि होती है, तो हमारा हर कर्म यज्ञ से ही शुरू होता है और होना भी चाहिए। कोई वैवाहिक कार्य है, शिलान्यास है, किसी भवन का उद्घाटन है, तो ये सब इस पुस्तक में विशेष मंत्रों से भी हम आहुति दे सकते हैं। तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो अभी हम सामान्य रूप से जो यज्ञ करते हैं केवल उन्हीं मंत्रों से आहुति दे रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया। अभी हम तीन बार महामृत्युंजय मंत्र से और फिर एक राष्ट्र के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर स्विष्टकृत आहुति दे करके समापन की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए, आज पूरा देश नहीं, पूरा विश्व एक बहुत बड़े संघर्ष से जूझ रहा है, एक बड़ी आपदा से, संकट से जूझ रहा है। तो ऐसे में जो बच जाते हैं, जो इस शरीर को छोड़ के चले गए, उनको तो क्योंकि उन्होंने इस जन्म में तो ऐसा कोई अपराध किया नहीं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो वायरस है ये आर्टिफिशियल है, कुछ कह रहे हैं ये नेचुरल है, तो जैसा हम मनुष्यों ने भूल की थी तो भगवान जी ने हमें पुनः उस वैदिक
यज्ञ और योग की पद्धति पर लाने के लिए तो अनेक अनेक प्रकार की ऐसे बातें प्रचलित हैं। पर जो भी हो, अब मुख्य बात यह है कि जो परिस्थिति हमारे सामने है उसको हम कैसे फेस करें। तो उसमें मुख्य रूप से यज्ञ और योग, और हमारे पूर्वजों ने भी यही कहा, एक बहुत बड़े आर्य समाज के विद्वान हुए हैं गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य अभय देव जी, तो उन्होंने तो एक पुस्तक ही लिखी है, योग और यज्ञ। जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं और उसके बल पे वो अनंत आकाश में उड़ान भरता है, ऐसे मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी मनुष्य महान हुए इस सृष्टि में, और आज भी जो महान हैं और आगे भी जो महान होते रहेंगे, उनके जीवन की महानता का एकमात्र राज, एकमात्र रहस्य ये दो ही चीजें हैं, यज्ञ और योग। यज्ञ और योग के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ऊंची उड़ान नहीं भर सकता है। तो अब ये दो चीजें ही हमें कोरोना से भी बचाएंगी। और जिन लोगों ने अपने घर में, अपने आसपास, जैसे मैं बात करूं जहां योग ग्राम में, निरामयम में हम बैठे हुए हैं, तो यहां योग ग्राम और निरामयम दोनों में मिला करके लगभग 700-800 भाई बहन यहाँ पर हैं। और यहाँ पर क्योंकि प्रतिदिन कम से कम 10 किलो हवन घी से यज्ञ किया जाता है और विशेष प्रकार की सामग्रियों से आहुतियाँ दी जाती हैं, तो इस कारण से यहाँ पर इतने लोगों के रहते हुए भी कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं है, कोई कोरोना से परेशान नहीं है। तो ऐसे यदि हम अपने घरों में भी इस प्रकार का इन्वायरमेंट बना करके रखें, तो हम एक कोरोना की तो बात छोड़िए, किसी भी शारीरिक या मानसिक रोग हमारे पास आ नहीं सकते हैं। लेकिन जो लोग हमें छोड़ करके चले गए हैं और उनके जो परिजन हैं, और उन लोगों को भी, क्योंकि वो अभी जाना नहीं चाहते थे, तो उनकी आत्मा को भी एक सद्गति मिले और भगवान जी उनको अपने चरण शरण में रखें, तो उन सब भाई बहनों के लिए हम सब मिल करके महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां देते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजित ब्रह्मलोकं स्वाहा। और अब अपने राष्ट्र के, पूरे राष्ट्र के कुशलक्षेम के लिए, क्योंकि हम यदि स्वस्थ हैं और हमारे आसपास यदि लोग दुखी हैं, तो हमारा जो सुख है वो अधूरा है। फिर हम और हमारे आसपास सब लोग सुखी हों, यही हमारे ऋषियों का उनका मनोभाव रहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और पूरे राष्ट्र के कुशल क्षेम के लिए इस मंत्र में प्रार्थना की जा रही है। तो मुझे लगता है कि जैसा मुझे बताया पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने कि आज 1000 भाई बहन इस यज्ञ में हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी यज्ञ कर रहे हैं, तो हजारों लोग श्रद्धापूर्वक कोई प्रार्थना करते हैं, कोई प्रेयर करते हैं, तो निश्चित रूप से वो परिणाम लाती है। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जैसे पुरुषार्थ में शक्ति होती है, वैसे ही प्रार्थना में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो आइए अपने पूरे राष्ट्र के कुशल क्षेम के लिए हम जल्दी से जल्दी इस भीषण महामारी के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलें, तो इसकी प्रार्थना भगवान से करते हुए, क्योंकि भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, तो हम उन्हीं से प्रार्थना करें, वो ही हमें इस महान संकट से बाहर निकाल सकते हैं।
ओम आ ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतां महाराष्ट्रे राजन्यशूरैषव्योति व्याधि महारथो जायतां दोग्धी धेनुर्वोढा नढ्वा नाशुः सप्ति पुरन्धिर्योषा जिष्णोरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधय पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। ओम स्वाहा। और अब पूर्णाहुति से पहले मैं पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी को कहूंगी, आहुति डालते जाएंगे और हम साथ साथ इसके बारे में कुछ चर्चा भी करते जाएंगे यज्ञ के बारे में। देखो, एक तो इस यज्ञ से इसका स्थूल लाभ क्या होता है, महर्षि दयानंद ने तो जो बताया है सो बताया ही है, और आप सब अपने खुद के अनुभव से भी देख पा रहे होंगे, जो भाई बहन जिन्होंने पाक्षिक रूप से भी अपने घर में यज्ञ करना शुरू किया है या साप्ताहिक रूप से या मासिक रूप से, तो किस तरह से अपने घर में एक परिवर्तन आता है वो आपने देखा होगा। ये जो यज्ञ शब्द है ये केवल हवन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। हवन शब्द तो जो क्रिया हम कर रहे हैं अभी उसी के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन यज्ञ शब्द इसके अतिरिक्त और ज्यादा विराटता को अपने अंदर समेटे हुए और ज्यादा व्यापक है यज्ञ शब्द। जैसे जप यज्ञ, जैसे किसी के पास घी नहीं है, सामग्री नहीं है, तो वो उस तरह के मंत्रों का उच्चारण करे तो उससे भी एक एनर्जी विकसित होती है, तो जप यज्ञ भी कहा गीता में। ऐसे ही ब्रह्म यज्ञ का मतलब है जो हम संध्या करते हैं, उसको भी यज्ञ कहा है। इसको देव यज्ञ कहा है, जो दैवी शक्तियां हैं उनको भोजन खिलाना, ये देव यज्ञ का मतलब है। देवों का यजन करना, देवों को खुश करना, देवों को तृप्त करना, उनका सत्कार करना, तो इसको देव यज्ञ कहा। तो देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, दान यज्ञ, जप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, कर्म यज्ञ, तो यज्ञ शब्द बहुत व्यापक है। तो हम जो कुछ भी क्रियाएं कर रहे हैं वो सब यज्ञ की श्रेणी में आ सकती हैं, क्योंकि इस यज्ञ से जितना लाभ होगा और जितना हमने समझा है उतना तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा हो कि हमारा पूरा जीवन ही यज्ञ बन जाए, जब हमें 1 घंटा या 2 घंटा, जैसे आप आज यज्ञ कर रहे हैं तो आपको कितना अच्छा लग रहा है 1-2 घंटे में, और यदि हमारे जीवन का प्रति पल ही यज्ञ बन जाए तो फिर कितना अच्छा लगेगा हमें। और ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये सारी सृष्टि यज्ञ कर रही है, और यज्ञ भी मौन रूप से कर रही है, कोई बहुत ज्यादा शोर भी नहीं मचा रही है। देखो, जो कुछ दूसरे की भलाई के लिए किया जाता है और जिसमें जिस कर्म में इदन्ना ममा की भावना होती है कि ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ जो कुछ भी यहाँ पर है वो सब परमात्मा का है, और उसका प्रयोग मैं इस प्रकार से करूं कि उसमें मेरी भी भलाई हो और मेरे साथ साथ सबकी भी भलाई हो और इस सृष्टि की कोई हानि भी ना हो, इसका नाम यज्ञ है। मैं आपको शास्त्रीय भाषा में नहीं, सरल सरल शब्दों में बताना चाह रही हूँ ताकि सरल शब्द हमारे मस्तिष्क में ज़्यादा समझ में आते हैं और हमें याद रहते हैं। यदि मैं यहाँ पर कुछ मंत्र या श्लोक बोलूँगी तो हो सकता है आप उसको भूल जाएं, लेकिन हमारे जीवन का ऐसा हम एक ऐसा उसका आचरण बना लें, इस तरह का उसका स्टाइल बना लें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं 24 घंटे, यहाँ तक कि हमारा सोना भी और जागते हुए जो कुछ कर रहे हैं और नींद में भी सोए सोए भी, तो वो सारा का सारा हमारा पूरा जीवन यज्ञ बन जाए।
और ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि ये सारी सृष्टि, जैसे मैंने बताया, यज्ञ कर रही है। गीता में तीसरे अध्याय में भगवान योगेश्वर कृष्ण खुद कह रहे हैं, वे कह रहे हैं ये सारी सृष्टि मैंने यज्ञ पूर्वक ही मैंने इसका यजन किया, निर्माण किया है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, ये तीसरे अध्याय का पांचवा छठा ही श्लोक है, 10 नंबर है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्य ध्वम एष वह अस्तु इष्ट काम दुख। भगवान जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने ये सारी सृष्टि का जब मैंने निर्माण किया, यज्ञ सहित ही मैंने इसका सृजन किया है। सह यज्ञा, यज्ञ सहित, यज्ञ के साथ, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, प्रजा मतलब हम सब प्रजाएं, जड़ और चेतन जो कुछ भी हैं ये सब परमात्मा की प्रजाएं हैं। तो इसको सह यज्ञ सृष्ट्वा, इसका सृजन करके, यज्ञ सहित इसका सृजन करके प्रजापति पुर उवाच, सृष्टि के आदि में ही प्रजापति ने ये कह दिया था। जैसे ही सृष्टि बनाई तो सृष्टि के आदि में ही भगवान ने, प्रजापति ने हमें ये निर्देश दे दिया था। अनेन प्रसविष्य ध्वम, कि तुम इस अनेन माने इस यज्ञ के द्वारा ही, जो ये सृष्टि में यज्ञ प्रचलित है इसके द्वारा ही प्रसविष्य ध्वम, आगे वृद्धि को प्राप्त करना, माने जीवन में यदि वृद्धि होगी तो इस यज्ञ के द्वारा ही होगी। अब हमें ये लगता है कि इसके द्वारा जीवन में वृद्धि कैसे होगी, इसमें तो कुछ ह्रास तो हो सकता है। हमारे घर में 1 किलो घी था और हमने यजन कर दिया तो 1 किलो घी हमारा ह्रास को प्राप्त हो गया, हानि हो गई, ये बढ़ेगा कैसे, ऐसे हमें लगता है। लेकिन पहले गीता के श्लोक को पढ़ते हैं। अनेना प्रसविष्य ध्वम, इस यज्ञ के द्वारा ही तुम वृद्धि को प्राप्त करना। एष वह अस्तु इष्ट काम दुख, एष ये यजन ही, वह हम सब के लिए या तुम सब के लिए इष्ट काम दुख अस्तु होवे, सब इच्छाओं को पूरा करने वाला ये यजन है। तो देखो कितनी बढ़िया बात बता दी, हम कोई ऐसा ही तो कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई ऐसी सिद्धि, कोई ऐसा कर्म, कोई कुछ ऐसा ही तो हम करना चाहते हैं कि जिसके माध्यम से हमारी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। एष वह अस्तु इष्ट काम दुख, ये आपकी सब इष्ट कामनाओं को, इष्ट कामना मतलब अच्छी इच्छित कामनाओं को ये पूरा कर देगा, लौकिक कामनाओं को भी पूरा कर देगा, आध्यात्मिक कामनाओं को भी पूरा कर देगा, लौकिक दृष्टि से भी ये हमें वृद्धि को प्राप्त करवाएगा और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये हमें मोक्ष तक पहुंचाएगा। तो ये देखो कितना अच्छा कर्म है ये, तो कैसे पहुंचाएगा ये, तो इसके लिए हमें यज्ञ को समझना पड़ेगा। इस सारी सृष्टि को पहले हम देखें कि ये सृष्टि कैसे चल रही है, क्योंकि मैं भी एक सृष्टि का एक पार्ट हूँ, एक छोटा सा। तो ये सारी सृष्टि श्रद्धे स्वामी जी महाराज हमें बताते हैं, हमारे शरीर में भी और इस सारी सृष्टि में भी हम देखते हैं कि हमारा ये जो शरीर है ये हमारी इच्छा से तो चलता है 1-2% या मैक्सिमम 5%, बाकी 95% तो ये ऑटो मोड पे चलता है, भगवान ने सेट कर रखा है। हम क्या क्या खाना खाते हैं और उसकी कौन कौन सी 7 धातुएं बनेंगी, कब बनेंगी, कैसे उसका आहार का पाचन होगा, कैसे अंदर पकाया जाएगा, पका पकाया खाते हैं हम, कितना रोटी सब्जी दाल आदि सब पका के, चावल आदि पका के खाते हैं, फिर वो जो खाया उसको फिर पकाया जाता है एक बार अंदर, तो हम तो पकाते नहीं है वहां पर कि उससे रस अलग बन जाए और उसका वेस्ट भाग अलग बन जाए, रक्त अलग बन जाए, मांस मेद मज्जा अस्थि, ये सब 7 धातुएं जो हैं ये हम नहीं बना सकते हैं उसको, तो एक सिस्टम बना हुआ है। तो कोई व्यक्ति उसके बारे में सोचे ना सोचे, मैंने कैसा खाया वो कैसा, उससे क्या क्या बनेगा, लेकिन वो तो बनता ही है, ना सोचे तो भी बनता ही है। तो ऐसे ही इस सृष्टि में भी ये सारी सृष्टि एक ऑटो मोड पे काम कर रही है, तो वो कार्य हो ही रहा है। न जाने कितनों ने आहुतियां दी,
इन अमित्र रोगों के संतापों से हे वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहुत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है, मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।